नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्क टॉक पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रमुख कथन व उनके लेखक। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे सी टैट हो, चाहे यू पी टैट, चाहे DSSSP, उनमें हमारे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कथन किस लेखक के द्वारा कहा गया है, यह कथन किनका है। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समय का सही सदुपयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कथन है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह कथन कहा गया है बोरिंग, लैंगफेल्ड एवं वेल्ड के द्वारा। और जो सेकंड है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन कहा गया है स्किनर के द्वारा। तो दोस्तों, आप ये दोनों कथन देख सकते हैं, पहला वाला बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड के द्वारा और दूसरा स्किनर के द्वारा। अगले कथनों पर चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये कथन मन के द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों, ये कथन का तो वैसे आपको पता ही होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रो व क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का ही अध्ययन है। इसके बाद मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन है वुडवर्थ का। अगला है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। दोस्तों, ये कथन है जेम्स का। नेक्स्ट है, शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी अथवा व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह कथन डॉक्टर विनोद उपाध्याय का है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन है HR भाटिया का। नेक्स्ट है दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन वॉटसन का है। और मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन है वुडवर्थ का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।